और भाई दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग, क्या चल रहा है जीवन में। मैं अभी आया हूँ जिम से, इसलिए बहुत पम्प लग रहा हूँ। बट एनीवेज आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट रिच और 10 टिप्स टू गेट रिच। और ये वीडियो में हम लोग कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बात नहीं करने वाले हैं, कोई मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ कुछ भी, और ये कुछ क्विक मनी मेकिंग का ऐसा फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअली मैं ट्विटर पर था और एक पेज है मनी माइंडसेट मास्टरी, जिसमें उन्होंने एक अच्छा थ्रेड लिखा था, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, जिसमें वो बोलते हैं हाउ टॉप 10 टिप्स टू गेट रिच क्विकली। उसके बारे में बात करेंगे, तुम लोग को शायद पता होगा लेकिन इट्स लाइक अ मोर मेटा वीडियो, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप बात कर सकें। तो नंबर 1 इज मास्टर द आर्ट ऑफ सेविंग। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपना पैसा जो कमाते हो, कैसे बजटिंग करते हो, जब तक उसको सेव नहीं करोगे तो हाउ वुड द मनी ग्रो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पैसा बचाना है, उसको बजटिंग करना है, उसको फिर इन्वेस्ट करना है। पहली बात, जब भी आपकी सैलरी आती है या फिर आपकी जो भी इनकम है, उसको आप पहले बजट कीजिए, उसको आप देखिए कि पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हो एंड हाउ मच यू कैन सेव। सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली टू मेक मोर मनी एंड देन टू सेव मोर एंड मोर एंड देन टू इन्वेस्ट। और जो आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स है ना, उसको आप बंद कर दीजिए। मैंने अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट वगैरह को सबको बंद किया हुआ, जो कि जिस चीज़ों से मुझे फायदा नहीं मिलता है मैंने वो सबको बंद किया हुआ। मेरे पास यूट्यूब प्रीमियम है विच इज योर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कट कर दीजिए। नंबर 2 इज इन्वेस्ट वाइजली। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला है हाउ टू इन्वेस्ट, और मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, और आपका जो व्यू पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म का व्यू पॉइंट होना चाहिए। और जब तक आप पैसे को इन्वेस्ट, सेविंग और इन्वेस्टिंग में फर्क है। इन्वेस्टिंग में यू आर मेकिंग मोर मनी फ्रॉम योर मनी, राइट? तो आपको लॉन्ग टर्म का एक व्यू पॉइंट देखना पड़ेगा टू सेव मोर एंड मोर मनी, ठीक है? तो उसके अंदर भी कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मतलब ऐसा नहीं है यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे अपना सारा पैसा डाल लो। डाइवर्सिफाइड मतलब अगर आप कोई रेस में पैसा लगा रहे हो तो आप खाली एक घोड़े पे पैसा नहीं लगा रहे हो, आप बहुत सारे अलग अलग घोड़ों पे पैसा लगा रहे हो, साला कोई ना कोई तो जीतेगा, राइट? मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो नीचे, और नीचे उसका लिंक भी है। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म का व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने पैसा डाला, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 साल बाद पैसा बढ़ जाए, नहीं। यू हैव टू मेक, सबको पता है यार, वॉरेन बुफे ने अपनी मनी जो है मेजोरिटी ऑफ हिज वेल्थ ही मेड आफ्टर 50 ईयर्स और 60 ईयर्स और व्हाटएवर। सो यू हैव टू मेक द मनी कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको साइड बिजनेस चालू करना, आपकी नौकरी चल रही है, आप कुछ अपना साइड बिजनेस चालू करना, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इवन इफ यू आर पुटिंग द मनी इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, और इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन सम P2P लैंडिंग, और इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन इन लाइक एनी अदर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट सोर्स ऑफ बिजनेस फॉर यू, राइट? और जैसे मैं ये यूट्यूब चैनल चलाया है, चालू किया है, इट इज ऑल्सो इट कैन बिकम मल्टीपल और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। और मुझे अपना कुछ प्लग इन करने दीजिए यहाँ पर। सो आई गिव 1-on-1 कोचिंग टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर MBA, फॉर देयर रिज्यूमे, फॉर उनका इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू के लिए मैं काफी सारी 1-on-1 कोचिंग देता हूँ। तो उधर से आई मेक सम मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आप नीचे या फिर देख सकते हो, अगर आपको 1-on-1 एक सेशन बुक करना है मेरे साथ, अपने CV को लेकर, करियर को लेकर, इंटरव्यूज को लेकर, जो भी है। नंबर 4 इज स्टार्ट प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। मतलब हम लोगों को स्कूल में सिखाया नहीं जाता है कि भाई पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। हम लोगों के पेरेंट्स भी हम लोगों को नहीं बताते हैं कि कैसे मैनेज करना चाहिए। हम लोगों के जो अपने घर वालों के साथ एक फ्रेंडली 1-on-1 फाइनेंशियल डिस्कशंस नहीं होते हैं, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो, आप किताबें पढ़ो काफ़ी सारी, मेरे जैसे वीडियोज देखो और पॉडकास्ट को सुनो, उधर से आपको मिल सकता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद नंबर 5 इज आपके पास क्लियर फाइनेंशियल गोल्स होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट 1 साल में 10 लाख रुपए बचाने हैं, 15 लाख रुपए बचाने हैं, या फिर नेक्स्ट 5 साल में मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे करने, बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, फिर वो मुझे यूरोप के ट्रिप पर जाना है। तो आपके फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए वेरी वेरी स्पेसिफिक। और मैंने एक वीडियो डाला भी था यहाँ पर 2023 का, हाउ टू सेट योर गोल्स। वो सारी वीडियोज को देखो जो इस वीडियो के व्हाट यू कॉल एडेंडम्स में है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद मैनेज डेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वन थिंग आई एम वेरी प्राउड, मतलब मैं एक चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास अभी कोई भी डेट नहीं है। आई डोंट हैव एनी इवन 1 रुपी ऑफ डेट अपार्ट फ्रॉम माय क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड्स को मैं बहुत वाइजली यूज़ करता हूँ, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोज बनाई हैं हाउ डू आई मेक मनी यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड, और कैसे मैं फ्री फ्लाइट बुक करता हूँ, कैसे मैं फ्री होटल्स बुक करता हूँ यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड डेट इज गुड इफ यू आर पेइंग डेट ऑन टाइम। उसके बाद
बात करते हैं माइंड सेट ऑफ अबंडेंस, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये नहीं सोचना है कि पैसा है नहीं मार्केट में, यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग दैट देयर इज इनफ मनी टू बी मेड। मार्केट से आपको बहुत पैसा बनाना है, बट आपको इस माइंड सेट में नहीं रहना है यार कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, यू कैन नॉट मेक मनी, यू कैन नॉट बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन, यू कैन नॉट बिल्ड साइड इनकम्स, यू कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। यू हैव टू हैव द माइंड सेट ऑफ अबंडेंस दैट आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। नंबर एट इज, अगर आप जॉब वॉब करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं अभी, तो आपको बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो मच एट सच अ रैपिड स्पेस दैट रैपिड स्पेस इट्स चेंजिंग सो मच दैट यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स, यू नीड टू अपग्रेड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड टू अपग्रेड व्हाट्स हैपनिंग इन योर इंडस्ट्री, यू नीड टू अपग्रेड कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्किल्स हॉट हैं। अगर आपको एक बेटर जॉब के लिए अपग्रेड करना है या फिर आपको कुछ चालू करना है या फिर आपको रेलिवेंट रहना है इन योर कंपनी, इन योर इंडस्ट्री, इन योर कंट्री, राइट। उसके बाद ऑटोमेट योर फाइनेंसेस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे जो मेजर बिल्स हैं जैसे रेंट का बिल हो गया या फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, फोन बिल हो गया, द मोमेंट माई सैलरी कम्स इन माई अकाउंट द ऑल दीज बिल्स आर पेड ऑटोमेटिकली, राइट। आई डोंट डू सिप्स ऑटोमेटिकली बिकॉज आई डू सिप्स SIP इज वेरी, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटेजिकली। अगर मार्केट डाउन हो तो मैं पैसा डालता हूँ, तो जितना हो सके ना आपका बिल्स हैं जो भी क्रेडिट कार्ड के मेक देम ऑटोमेटेड, ऑटोमेटाइज कर दो भाई हर चीज़ को, ताकि आपका जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आती है, आपकी पॉकेट मनी आती है, जो भी आता है, आपके जो सारे बिल्स हैं वो इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपका जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का बिल लेट पे किया तो दे चार्ज यू अ हेल लॉट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब महीने का 12-13%, साल का महीने का 4-5%, तो साल का आपका 36-48% लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डिसिप्लिन और पेशेंस, राइट। नथिंग हैपन्स इन वन डे, इन वन मंथ, इन वन ईयर। ये मैं अपने YouTube चैनल पे जब से वीडियो डाल रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 साल से वीडियो डाल रहा हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, आई एम बीइंग वेरी पेशेंट। लेकिन मुझे पता है कि वन डे इफ आई गिव सो मच टाइम, अगर मेरी ऑडियंस ग्रो करती है, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, तो आई कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ साइड इनकम फ्रॉम दिस। एंड ऑफ दिस यूट्यूब चैनल आई एम बिल्डिंग नॉट जस्ट फॉर मेकिंग मनी, बट ऑल्सो मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड, ऑल्सो मेकिंग टू हेल्प पीपल लाइक यू, एंड ऑल्सो कल को अगर मुझे कुछ और करना है तो आई कैन लुक वर्क हार्डर फॉर दिस यूट्यूब चैनल, राइट। सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं जिम भी जाता हूँ, अगर आप लोग जिम जाते होंगे तो आपको पता होगा कि डिसिप्लिन, पेशेंस, हार्डवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन, डोंट लूज योर मोटिवेशन। डिसिप्लिन ऑल्सो कम्स टू योर माइंड मैन, जब आपकी सैलरी आती है, जब आपकी इनकम आती है, तो आप उसको कितना पैसा बचाते हो, कुछ आप इंपल्सिव परचेजेस तो नहीं कर रहे हो, क्या आपको जो चीज़ आप खरीद रहे हो, क्या आपको वो चीज़ चाहिए अभी या नहीं चाहिए अभी, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लास्टली आई थिंक, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको बिजनेस ही चालू करना है अपना, या फिर आपको अपना स्टार्टअप ही चालू करना है, या फिर आपको फॉर्च्यून में अपने पिताजी से, माताजी से बहुत सारा पैसा मिला है, आई थिंक अगर आपके पास एक डिसेंट कॉलेज से MBA है या फिर अच्छी डिग्री है और आप एक अच्छी जगह काम करते हैं और आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, गोल सेटिंग है, तो आई थिंक यू कैन बिकम रिच इजीली, बट यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मोटिवेशन एंड गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। आई होप मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। आई होप तुम लोगों ने कुछ सीखा हो इस वीडियो से, और इस चैनल को 84% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर इफ यू लाइक माय कंटेंट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर योर लाइक्स, व्हाटएवर जो करना चाहते हो। और आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे डाल सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ। कभी कभार कोई टॉपिक अगर जनरल है तो उसमें वीडियो भी बनाता हूँ। एंड इफ यू वॉन्ट टू बुक सम वन ऑन वन सेशंस, यू कैन गेट द लिंक बिलो। एंड इन द मीनवाइल यू कैन वॉच दीज टू वीडियोज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और मैं जुलाई में कोशिश करूंगा कि हर डे एक वीडियो डालने की कोशिश करूँ। And thanks for all the support. अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो thanks a lot. Take care. Bye-bye.